यूनियन ऑफ सेट्स, लेट हमें दो या उससे ज्यादा सेट्स दे दे तो यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकलता है? सिंपल सा वर्ड है, दो सेट का यूनियन अगर हमें निकालना हो, तीन का निकालना हो, यूनियन नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन कर लेना, एक यूनियन बना लेना। लेट हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 9, एक और सेट है मेरे पास बी 1, 2, 3, 4, 8, ओके। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों की अगर यूनियन बनानी पड़े तो दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखने होते हैं। कंबाइन करके लिखो, 1, 2, 2 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। 3 और कौन है, 4, 5, 8, 9, ये क्या आ गया हमारे पास, यूनियन ऑफ टू सेट्स आ गया। तो यूनियन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, यूनियन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स ये सिंबल होता है, ओके, दो सेट का यूनियन। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इस तरीके से निकलता है हमारे पास, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स इज नोन एज द यूनियन, ओके। तो ए यूनियन, ए आपके पास कोई भी सेट गिवन है, बी भी आपके पास कोई भी सेट गिवन है, तो ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए से भी हो सकता है या फिर बी से भी हो सकता है, और हमारा एक्स किससे भी हो सकता है, ए या बी से। यूनियन के बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन, यूनियन के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेट ए हमारे पास एक सेट है 2, 3, 5, 9, बी मेरे पास एक और सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट कॉमन और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दोनों के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, 2 दोनों में है, यस बिल्कुल है, 3 है दोनों में, हाँ है, 5 है, 9 है, और कोई है नहीं है, बस ये हमारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, ओके। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन रहेगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये रहेगा स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक बात बता दे आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अकेला कभी नहीं हो सकता, इसके साथ यूनिवर्सल सेट्स की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो लेट हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, और एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 2, 3, 5। हमेशा एक खास बात रहेगी, ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए के ऊपर डैश या फिर ए के ऊपर सी, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का सिंबल रहेगा। तो ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 2, 3, 5 को छोड़ के यूनिवर्सल से सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, कॉम्प्लीमेंट उल्टा, जो करने के लिए बोले वो ना करके दूसरे करना। तो 2, 3, 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन है, 1, 4, 6, 1, 4, 6, ये हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास यूनिवर्सल, सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए, जो ए के अंदर नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन रहेगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और एक्स नॉट बिलोंग टू ए,
ए से नहीं होना चाहिए और यूनिवर्सल सेट से पक्का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट देखो, नाम से पता लग रहा है, दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, इसके लिए भी दो सेट्स का होना जरूरी है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, बी इज इक्वल टू 4, 6, 8। तो ए और बी डिसजॉइंट है या नहीं है, ये इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगा। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। देखो 1, 2, 3, 5 इसमें बिल्कुल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कर लेते हैं अगला टॉपिक, सबट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट। हमारे पास दो सेट गिवन रहेंगे, तो दो सेट में ए माइनस बी, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो एलिमेंट बिल्कुल नहीं लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में कॉमन है। लेट हमारे पास ए एक सेट है 2, 3, 5, 9 ओके 10, बी मेरे पास एक सेट है 3, 4, 5 ओके और 8। अगर आपको ए माइनस बी करना है तो इट मीन्स, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे, सेम में से सेम ही घटेगा भाई, सेम में से सेम माइनस होगा। तो 2, 2 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लिखो 2 को एज इट इज। मीन्स हमें वो ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस वो नहीं लिखने जो ए और बी में कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो। 3, 3 दोनों में कॉमन है, या फिर हम ऐसे मान लेंगे 3 में से 3 गया खत्म, 0 नहीं खत्म, मतलब एक समझने के लिए, अदरवाइज कॉमन एलिमेंट तो हमें लिखना ही नहीं। ओके 3 नहीं लिख सकते, फिर 5 का नंबर आया, 5 भी नहीं लिख सकते, 9 यस, और कौन 10। बी में कौन कौन बच गया जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, ना हमने 4 पे काम किया ना 8 पे काम किया, तो इन पे हमें काम करना भी नहीं है, हमें बी सेट पे कोई ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ ए सेट पे ध्यान देना। अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स के बारे में सोचना है, कॉमन एलिमेंट को हटा के ए के बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स लिख देंगे, वो हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रहेगा। बी में क्या है क्या नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं सिवाय कॉमन एलिमेंट्स के। अगर हम लोग बी माइनस ए करते हैं तो कंडीशन उल्टी हो जाती है, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब बी के एलिमेंट्स लिखेंगे कॉमन को छोड़ के, 3 इसमें है नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है नहीं है लिख देंगे, 5 गया, 8 ओके, और इसमें कौन कौन रह गया, 2 रह गया, 9 रह गया, 10 रह गया, रह गए तो रह गए, अब सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, हमें बी पे ध्यान देना। ओके तो बी माइनस ए में बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे सिवाय कॉमन एलिमेंट के, ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे सिवाय कॉमन के। ये हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस एक और टॉपिक रहता है हमारा। सिमेट्रिक डिफरेंस में स्टूडेंट्स ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन लेंगे हम लोग, उसका नोटेशन रहेगा ए डेल बी। एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 2, 3, 5, 9, बी मेरे पास एक और है 1, 2, 3, 4, 6, 7 ओके ये है। पहले ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी क्या बचेगा हमारे पास, 2 गया 3 गया सिर्फ 5, 9 बचा। बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए 1 बचेगा, 2, 3 गया 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या करना है हमें, यूनियन, तो ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू इन दोनों का यूनियन, कंबाइन करके एलिमेंट लिख दो 1, 4, 5, 6, 7, 9 तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक ऑफ टू सेट्स। ओके सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हमने किया ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे हम लोगों ने यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, डिसजॉइंट सेट किया, ओके कॉम्प्लीमेंट सेट किया, डिफरेंस किया और सिमेट्रिक डिफरेंस किया,
स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान टॉपिक है, आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।